अब मैं बात जानना चाहूँगा हर्निया के बारे में। हर्निया जिसको आप जानते हैं कि पेट के अंदर या नाभि के नीचे या किसी भी जगह पर कोई चीज़ फूलने लग पड़ती है, तो हम नॉर्मली ले मैन में कहते हैं कि ये उनको हर्निया हो गया। तो पेशेंट हमारे पास आता है कि डॉक्टर साहब मेरे पास ये चीज़ फूल रही है तो ये हर्निया बन रहा है, तो मैं तो दिखाने हर्निया आया हूँ, तो आप मेरे को ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम क्यों बता रहे हैं कि ये आपस में कैसे रिलेटेड है। तो मेल्स के अंदर प्रोस्टेट पाया जाता है, और यदि पेशेंट को प्रोस्टेट की कोई दिक्कत है, पेशाब की कोई दिक्कत है, प्रोस्टेट के कारण उसको पेशाब करने में दिक्कत आती है, तो उसको पेट से ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है पेशाब निकालने के लिए। तो कोई भी चीज़ जिस पे हम कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं और पेट का ज़्यादा जोर लगता है, तो कई बार हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं। जब वो मसल्स वीक होते हैं तो वही हर्निया का रूप ले लेते हैं। तो बेसिकली जो हर्निया का कारण रहता है वो प्रोस्टेट रहते हैं मेल्स के अंदर। तो इसके लिए यदि हम अकेला हर्निया का ऑपरेट कराते रहेंगे और प्रोस्टेट जो कि मेन उसकी जड़ है यदि उसको नहीं ठीक करवाते, तो हमें दोबारा से हर्निया होने का चांस बढ़ जाता है, हमारा ऑपरेशन फेल भी हो सकता है। तो इसलिए यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेकर यदि प्रोस्टेट हर्निया का कारण है तो पहले उसको एवेल्युएट कराया जाए, उसको ठीक कराया जाए, और उसके बाद ही हर्निया का ऑपरेट कराया जाए।